अब हम आ गए हैं पेस्ट्रीज पे। जैसे कि डो एंड क्रीम एक बेकरी शॉप है और हम लोग यहाँ पे मेन यही रिव्यू करने के लिए आए थे। तो दीज आर द पेस्ट्रीज वी गॉट, दीज आर देयर हाइलाइट्स, ठीक है, मतलब स्पेशल चीज़ें हैं। मैं एक बार नाम पढ़ के बोलूँगा, दिस इज चॉकलेट ट्यूलिप, दिस इज रेड वेलवेट, ये तो बेसिक है, मैं पता ही। फ्रेंच चॉको मोजी, ये कुछ नया था और ये मेरे को देख के मेरे को लगा था कि मेरे को रिव्यू करना चाहिए अगर आपको दिख रहा हो। सबसे पहले यही खाऊंगा मैं क्योंकि मेरे को इन दोनों की तो टेस्ट एक्सपेक्टेड है, इसका नहीं है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस। गणपति बाप्पा, इफ यू कुड सी इट। मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, इट इज ऑसम। अगर मैं ये किसी चॉकलेट से कंपेयर करूँ तो जैसे हम लोग डेयरी मिल्क होती है, डेयरी मिल्क पिघल जाती है, मुझे टेस्ट आता ना वही आ रहा है और उससे ज़्यादा थिक है ये। यार मज़ा आया भाई, मेरा रात तक का खाना डन हो गया है, इतना खाना है ये। और मैं ये पैक करवा के भी ले जाऊँगा घर वालों को चेपने, बेसिकली इतना मैं नहीं खा पाऊँगा। तो ये तो मेरा हो गया, तो मैं नेक्स्ट चीज़ ट्राई करता हूँ अपनी नेक्स्ट पेस्ट्री। इसके लिए अगर मैं रेटिंग दूँ 5 out of 10 ले लो भाई, ये इतनी स्वादिष्ट है। नेक्स्ट चीज़ चॉकलेट टोलेप, ये तो देखने में इतना सुंदर है कि मैं इसको खाने से पहले अपने घर में सजा के रख लूँ, इस पीसी के आगे मैं काम करता हूँ साइड में रख लूँ, ये इतना सुंदर है। मतलब मैं 10-15 दिन लगा के मैंने शायद जितनी कैलरीज बर्न करी होगी उतनी मैंने एक इसमें खा ली है। अब मैं खाने जा रहा हूँ, भैया खाली करेंगे क्या भाई? अब मैं खाने जा रहा हूँ रेड वेलवेट पेस्ट्री, रेड वेलवेट पेस्ट्री हो जाता कभी कभी, क्या हो गया? ये वही जो अपना बेसिक टेस्ट होता है रेड वेलवेट का, वैसे ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, तो इसको तो 5 out of 5, ठीक है। मैं सीरियसली मतलब कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ की कि भाई खाना बहुत अच्छा है, सबकी रेटिंग अच्छी है, बट सीरियसली यहाँ की जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से जो खाने की क्वालिटी है और जो क्वान्टिटी है प्लस जो टेस्ट है, दिस इज़ वेरी गुड। मैं खुद अभी मैंने जैसे बताया मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मेरे को क्यों नहीं पता इस जगह का, जैसे अगर आप इंटीरियर देखोगे दिस इज़ अ वेरी कूल प्लेस, गर्लफ्रेंड के साथ मेरी तो है नहीं, अपना टाइम आएगा। ये हमारे दोनों मोहितो हैं। अब मैं इसमें से भूल गया हूँ कि कौन सा हमारा वाटरमेलन था और कौन सा हमारा स्ट्रॉबेरी था, तो टेस्ट करके देख लेते हैं। ये वाटरमेलन है, ये स्ट्रॉबेरी है, उल्टा बोल दिया मैंने। हमें कॉम्प्लीमेंट्री दो चीज़ें मिली है मोहितो, ये रिफ्रेशिंग बहुत ज़रूरी होता है। अब और ये लास्ट चीज़ कोल्ड कॉफ़ी, वन ऑफ माई फेवरेट बेवरेजेस, कोल्ड कॉफ़ी विद वही वनीला हमारी आइसक्रीम ऊपर विद चॉको चिप्स। कॉफ़ी अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, मैं हॉट कॉफ़ी नॉर्मली बहुत कम पीता हूँ, मेरी तो वैसे पर्सनल फेवरेट है। तो मैं इसको रेटिंग अगर मैं इसकी दूँ तो 5 out of 5 दूंगा, वनीला आइसक्रीम विद चॉको चिप्स। आज तो बहुत हो गया भाई, 5 out of 5। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो डो एंड क्रीम्स का, इनके ऑलमोस्ट हमने मतलब जितने हम कर सकते थे आइटम्स हमने कवर किए हैं। ये इसलिए क्या, बिकॉज जो प्राइस है इनका विद द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी प्लस द टेस्ट इज वेरी गुड। और अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है तो दिस इज़ द राइट प्लेस, एम्बियंस बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत अच्छा है, जगह जनकपुरी के अंदर है ये, COD के पास। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल मैप लोकेशन मिल जाएगा एज यूजुअल, जिसे हम वीडियो में दे देते हैं।
बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत ज़रूरी है, घंटा जरूर बजाना, बेल आइकन जो है हमारा उसको प्रेस, बेल आइकन। और अभी के लिए मैं आपको बाय बोलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, सो टेक केयर, कोरोना वायरस से बच के रहें, चाइनीज फूड से कोरोना वायरस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, चलो बाय।